बोले ना। अरे हम तो यहीं पे, आप काहे घबरा रहे इतना, अपने घबरा कर रहे हैं। नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं, अभी सूचना मिला रात करीब 12 के आसपास हो गया है, सूचना मिला कि किसी घर में जो कि कोई सांप आ गया। चलिए मैं प्रॉपर अंदाज में निकाल के दिखाता हूँ सांप कौन सा। उससे पहले मिलाता हूँ जिसने मुझे फोन के बुलाया। अब अपना नाम और सब बताओ सर। मेरा नाम पारसनाथ गुप्ता है, जगह का नाम मोइरा कुलेरी है। मेरे दुकान में शाम 4 बजे एक सांप ढुका था, और भाई जो अभी दिखा है हम लोग को। चलिए दोस्तों, मैं बुलाया है मैंने अभी फोन करके, बिना लेट किए हुए जाके दिखाता हूँ सांप कौन सा है। इससे पहले भी कहीं इलाज है। सम्मति सम्मति सम्मति। ये इधर आ, इधर आ। ठीक है, आप लोग आप लोग घबराइए मत। अमन भैया आ गया तो कुछ घबराने का वो देखिए, वो बाटे के पास मुंह में बाटे के पास आ गया ना। और भैया पहचान रहे हैं। हाँ, उतना टेंशन मत लीजिए, पकड़ के ले चले भाई। तो हम तो इनको ही फोन करते हैं। बोले ना। अरे हम तो यहीं पे, आप काहे घबरा रहे इतना, अपने घबरा कर रहे हैं। खड़े ही मत, आप इतने घबरा कर रहे कोई रहे कम लोग दोपहर से मिला हम लोग को ठीक है, हम लोग बना तो ढूंढे खाली আজকে দাদাটা কাজটা করেছে, ওইটা আমরা थोड़ा शांत रहिए, इसका बारे में बता देगा, वो बता दी। थोड़ा सुन ले भाई, एक बार सुन लिया, थोड़ा सामने आइए, कोई टेंशन नहीं। ये बता रहे थे सियाल चांद था, बंगला में चंदपुरा कहा जाता है। ये बहुत ही हाईली वेनमस स्नेक है, इसमें हीमोटॉक्सिन नामक विनम पाया था। और जब भी ऐसा कोई सांप बाइट करे तो आपको डॉक्टर का सलाह लेना है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल जो विधाननगर में वहीं पर जाइएगा। ओझा कुनी ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसे चक्कर पे बिल्कुल भी नहीं पड़िएगा, क्योंकि हर महीना जिस तरह से देख रहे हैं सांपों के काटे जाने से हर लोग मारे जा रहे हैं, हर महीना में 2 इंसान का जो मौत हो जा रहा है। तो अंधविश्वास के कारण आप लोग जब भी कोई सांप बाइट करें या आसपास से गुजर जाए जहरीला सांप, तो आप डॉक्टर का सलाह ही लें, झाड़ फूक के चक्कर में ना जाएं।
और चलिए मैं इसी तरह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जीव जंतु को बचाते हुए। और यहाँ के लोग भी हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जैसे ही सांप को देखा मुझे कॉन्टेक्ट किया, बुलाया सांप को रेस्क्यू करने के लिए। और मैं अच्छी तरह से सांप को, और घर के लोग भी जो कि बहुत डरे हुए थे। तो आप लोग तो लाइट बैठा हुआ था, तो उसके बाद ही बैठने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जल्दी से जैसे मैं देखी तो वो भागने लगा मेरे को देख के। जब भी कोई सांप देखेगा ना डरना नहीं है पहले। नहीं अमन भाई, ऐसा बात को था कि सुबह में मैं आया था। दूरी बना लीजिएगा सबसे पहला, कॉन्टेक्ट कीजिएगा। मेरे पास भी था उस तरह, दम बंद नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं, ऑक्सीजन किसी को बनाए गए बनाए हैं, वहाँ से कुछ दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद फिर मैं सुबह से हम लोग ढूंढे, सुबह से चला था भाई ये बात, तो सुबह चल रहा अचानक से मैं सब्जी काटने के तो देख रहे उसी के पीछे बैठा हुआ। नहीं ये सुबह से चल रहा था भाई, अच्छा किए जैसे कि हाथ नहीं लगाए, बहुत कुछ क्या करता है कि ये सुबह से हो रहा था। देन वो क्या करता, मार देता है। ये ऐसा सांप है कि हमें पर्यावरण को बचाने में बहुत बड़ा सहायक है, बहुत बड़ा रोल है। इकोसिस्टम को नियंत्रण और बैलेंस करने में बहुत काम करता है। छोटे मोटे एनिमल जानवरों को खाता है। हाँ अगर सोचिए कि अगर वो छोटे मोटे एनिमल ये जानवरों को अगर नहीं खाए तो उसका जनसंख्या बढ़ जाएगा, तो वहाँ केमिकल यूज होगा, पोल्यूशन होगा। तो इसको क्या करता है, वो खा के क्या करता है, ब्रेस्ट कंट्रोल को बचाने का, पर्यावरण को बनाए रखने में बहुत बड़ा अहम रोल है। तो जब भी ऐसा कोई सांप देखे तो मारना नहीं है। अच्छा। हम मार नहीं है, हम लोग सुबह से इसको देखे हैं, ठीक है। देन भाभी मेरी है, वो मेरे को पीटी थी, वो बोली मेरे को, तो हम लोग उसको सेफ्टी रखे हैं। पास में बोले थे, पास में सांप को पहचानना बहुत आसान है। और ये सुबह में मेरी भाभी देखी है, और ये सुबह में ही मेरी भाभी देखी है।